पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। सो सपोज हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये पैरेललली सेट कर रखी है हमने, ठीक है, ए एंड बी, हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। सपोज हम इसको कोई पोटेंशियल देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इंडक्शन के थ्रू ये चार्ज किस में लीक हो जाएगा, बी में, माइनस क्यू चार्ज में आ जाया। अब हमने पहले पढ़ाया है जब प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज होता है तो इसमें क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, तो इसमें माइनस क्यू आएगा, और बी को हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कैपेसिटर की वर्किंग, जो इसमें हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज आएगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल्स टू वी अपॉन डी, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू वी अपॉन डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में बताएंगे। सपोज इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा सेटअप हो जाएगी। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ए नॉट, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए इज अ एप्सिलॉन नॉट, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हमने जो फॉर्मूला बनाया था, तो वी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे ई सिग्मा अपॉन ई नॉट डी। अब हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम क्या कर देंगे, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए लिख देंगे, यह आएगा ए नॉट। अब नाउ हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू हमें पता ही है सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो अब वी की वैल्यू ऊपर से यहाँ रख देंगे, तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू बाय ए ई नॉट और डी। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल, ई नॉट ए अपॉन डी, हमारे पास ये कैपेसिटेंस आ जाएगा, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। थोड़ा एक और बार फिर समझ लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स है ए एंड बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन प्लेट का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस डी था वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ये बिहेव करेगी इन्फिनाइट प्लेट की तरह, ठीक है। और इन दोनों का जो प्लेट का एरिया होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ए वन इज इक्वल टू ए टू, ठीक है। और ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए और एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेटअप हुई थी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन ए। तो इस तरह से क्या होगा, हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। थैंक यू।